पिशावर में निजी यूनिवर्सिटी के जेर तमाम तलबा के बनाए हुए जदीद साइंसी इजादात की नुमाइश की गई, जिसमें हवाई जहाज, हवा से बिजली पैदा करने वाले आलात, इमारतों के लिए सिक्योरिटी सिस्टम और मुख्तलिफ साइंसी इजादात आवाम की तवज्जो का मरकज रही। मगर सबसे अनोखी इजाद वायरलेस रिमोट कंट्रोल कार साबित हुई, जिसके मवज्जिद को पहला इनाम दिया गया। इस किस्म की इजादात का मकसद खसूसी अफराद को ड्राइविंग और दूसरे मामलात जिंदगी में मावनत फराम करना और उनकी जिंदगी को मजीद सहल बनाना है। ड्राइवर लेस कार बनाई है, जो कि हमने बेसिकली जहन में रखा हुआ था, जो मजदूर लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं हमारे लिए, उनको हम एक मौका फराम करना चाहते हैं कि वो आम लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जिए, कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे। इसमें हमने ये किया हुआ कि अगर एक बंदे की सिर्फ चार उंगलियां हो और उसकी एक आंख हो तो वो इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। नुमाइश में रखी गई आवाज़ से चलने वाली कुर्सी में भी लोगों ने खासी दिलचस्पी ली, जो चलने फिरने से आरी अफराद के लिए इंतहाई मुफीद बताई गई है। कैसा बंदा जिसके हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं और उसकी सिर्फ वोकल एबिलिटी है, वो बोल सकता है, तो उस पेशेंट के लिए ये व्हील चेयर हमने बनाई है और वो पेशेंट आराम से, मतलब माइक में उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि फॉरवर्ड, तो ये व्हील चेयर फॉरवर्ड को मूव करती है। इसी तरह अगर वो पेशेंट उसको बैक का कहता है तो ये व्हील चेयर बैक को भी जाती है। तलबा का कहना है कि प्राइवेट इदारों के महदूद वसाइल और हुकूमती फंड्स की अदम फरहमी से इनकी काबिलियत और जहानत को फरोग नहीं मिल सकता, जिससे वो मायूसी का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि साइंसी तरक्की के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं। हमारे पास कोई भी फाइनेंशियल एड के थ्रू कोई भी नहीं आया गवर्नमेंट का, हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे हमने बहुत खर्चे वगैरह किए हैं, इससे पहले भी हमने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। सूबाई वजीर बराए आला तालीम का कहना है कि हम गैर मुल्की अशिया की तरफ तो तवज्जो देते हैं, लेकिन घर में बनने वाली अशिया को नजरअंदाज कर देते हैं, जो किसी भी तौर मुनासिब नहीं। मगर हुकूमत अपने वसाइल में रहते हुए साइंसी तरक्की के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेगी। मेरी ये स्पेसिफिक कोशिश है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए, सेक्रेटेरिएट के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ इनकी ऐसी कोऑर्डिनेशन हो कि वो मसला बताएं, ये उसका हल दें और अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए अपने मसाइल का हल हम ढूंढें। उसमें फिर सारी चीजें आ जाएंगी, सिक्योरिटी भी आ जाएगी, आपकी ट्रैफिक के मसले भी आ जाएंगे, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन है उसके भी आ जाएंगे। इन साइंसी इजादात को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में काबिलियत और जहानत की कमी है, मगर असल चीज इनकी रहनुमाई और हुकूमती सरपरस्ती है, जिसका फुकदान नजर आता है। आफ्ताब अहमद, डॉन न्यूज़, पिशावर।